तरह की इनिशिएटिव में आना बहुत ही मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, और मैं खुद एक बेटी का बाप हूँ, और ये बड़ा खूबसूरत इनिशिएटिव है, और थैंक्स टू अनु जी और शशि जी कि मुझे उन्होंने इस इवेंट के लिए आमंत्रित किया। आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। सर, अब जब आ रहे थे, क्या थॉट प्रोसेस था, अब क्या करने वाले हो, अब रैंप पे भी चलने वाले हो, सर कितनी खुशी होती है? ये थॉट, ये इतना खूबसूरत कॉज के लिए है ये इवेंट, कि मैंने उनसे पूछा ही नहीं कि मुझे क्या करना है। मैं जब आया तो उन्होंने मुझे ये दिया कि ये पहन के आपको रैंप पे वॉक करना है। सो आई होप कि मैं रैंप पे गिर ना जाऊँ, कुछ ऐसा ना हो जाए। सो बट हाँ, लेट्स गो एंड सी क्या होता है अंदर। कभी भाई आप कुछ कहा था, बेटी के बाप है, बेटी का बाप से बहुत ज़्यादा लगाव होता है जी, कितना समय ले पाते हैं अपनी बेटी को आप, किस तरह का समय लगता है? सर, अगर आपने देखा हो, पहले पहले मैं ब्रेक्स नहीं लेता था, अब ब्रेक्स लेते हैं हम लोग, और ऑब्वियसली अच्छा भी लगता है, और आप खुद रिफ्रेश होते हो जब आप बच्चों के साथ, यू नो इट्स लाइक मेडिटेशन, बच्चों के साथ खेलना प्ले करना। सो मैं बहुत टाइम देता हूँ, तो एक तो वो हुई लॉकडाउन में, मेरे दोनों बच्चे लॉकडाउन में हुए, सो मैंने बहुत टाइम दिया है, और उसके बाद अभी भी हम लोग ब्रेक में थे, वेकेशंस पे थे, आई वाज इन कनाडा, तो एक बॉन्डिंग और बढ़ जाती है जब आप बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। सो आई एम हैविंग द टच विद बेस्ट फेस ऑफ माई लाइफ जी। पता नहीं सर, इतना मैं इंटेलेक्चुअल आदमी नहीं हूँ, मेरी कोई अपनी फिल्म अभी आई नहीं है, पर हाँ ये ट्रेंड चलते रहते हैं, कोई बात नहीं, ये सब वक्त की बात होती है, वक्त ही कह सकते हैं आप। सर, A-lister एक्ट्रेस भी बोलते हैं कि हमारी मूवी बॉयकॉट कर दीजिए, और मूवी अभी बॉयकॉट ही हो गई है सर, उसके बाद अक्षय पाजी जो आपके काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं, उनकी मूवीज काफ़ी बॉयकॉट हो गई है, उसके बाद ऐसा मैंने तो नहीं सुना कि उनकी कोई मूवी बॉयकॉट हुई है। हाँ सर, उनकी रक्षाबंधन जो काफी रक्षाबंधन बॉयकॉट करके है। सर, ये ट्विटर की दुनिया से तो मुझे दूर रखो, मैं ना बड़ी मुश्किल से निकला। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू।